नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल बिराज की बातों में। ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी पॉपुलर होने लगा है इंडिया में और ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्ड्स का इस्तेमाल भी करने लगे हैं, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड्स की। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या होती है ये क्रेडिट कार्ड, किनके लिए होती है ये क्रेडिट कार्ड, हम इस क्रेडिट कार्ड को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आखिर क्या क्या लाभ या नुकसान होती है इस क्रेडिट कार्ड की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर क्या होती है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा दी जाने वाली एक विशेष प्रकार की सुविधा या ऋण फैसिलिटी होती है, जिसके अंतर्गत हम एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि का इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या अन्य कामों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। वो जो राशि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस्तेमाल करते हैं उसकी एक निश्चित समय होती है और एक निश्चित क्रेडिट लिमिट होती है। वो राशि इस्तेमाल करने के बाद हम उस राशि का भुगतान लमसम एक बार में ही कर सकते हैं या फिर चाहे तो पार्टली पार्ट ईएमआई के तौर पर भी कर सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये होती है, वो जो राशि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू इस्तेमाल करते हैं उसकी एक निश्चित समय होती है, यानी कि रीपेमेंट पीरियड होती है। अगर हम अपने रीपेमेंट पीरियड के अंदर उस राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक उस राशि के ऊपर पेनल्टी लगा देती है। सिंपल शब्दों में अगर हम जानने की कोशिश करें या फिर समझने की कोशिश करें तो क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन है जो बैंक हमें देती है एक निश्चित राशि के ऊपर एक निश्चित समय के लिए। उस लोन का भुगतान हमें करना पड़ता है एक निश्चित समय के अंदर ही, और अगर हम उस लोन का भुगतान नहीं करते हैं तो उस लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड हम किसी भी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आजकल सभी बैंक अपना क्रेडिट कार्ड इशू करने लगे हैं। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए हमारे पास एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए और जिस बैंक में हम क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अप्लाई करते हैं उस बैंक में हमारी एक अकाउंट होनी चाहिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही आसानी से नहीं मिलता है। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो हमें पहले फुलफिल करनी पड़ती है। तो चलिए जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आखिर कौन सी वो कंडीशन है जिसको फुलफिल करने के बाद ही हमें क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करती है। पहली कंडीशन, क्रेडिट कार्ड को इशू करने से पहले बैंक हमारी क्रेडिट रेटिंग की जांच करती है। क्रेडिट रेटिंग की जांच होती है सिबिल स्कोर के द्वारा। सिबिल स्कोर वो स्कोर होती है जिसके द्वारा बैंक को पता चलता है हमारी जो लोन लेने की जो हिस्ट्री है वो क्या है, कहाँ कहाँ हमने लोन ले रखा है, कहाँ कहाँ हमने लोन को अच्छी तरह से रीपेमेंट किया है, या फिर अगर हमने रीपेमेंट अच्छी तरह से नहीं किया है उसका भी पता क्रेडिट रेटिंग यानी कि सिबिल से पता चल जाता है। अगर हमारी सिबिल अच्छी है, अगर हमारी सिबिल की स्कोर अच्छी है तो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड सिबिल स्कोर की रेटिंग के हिसाब से इशू करती है। दूसरी कंडीशन है एज। क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स होनी ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड माइनर को इशू नहीं किया जाता है। तीसरी कंडीशन है बैंक में अकाउंट की लेन देन की हिस्ट्री। क्रेडिट कार्ड को इशू करने से पहले बैंक देखती है अगर हमारी करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट है तो उस अकाउंट को हमने किस तरह से चलाया है, हमारी जो लेन देन की हिस्ट्री है वो किस तरह की है। अगर हमारी अकाउंट इनऑपरेटिव है या फिर हमने अपने अकाउंट में लेन देन अच्छी तरह से नहीं किया है तो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है। चौथी, क्रेडिट कार्ड को इशू करने से पहले बैंक आपकी इनकम की पूरी जानकारी ले लेती है। अगर आपकी इनकम बैंकों के द्वारा निर्धारित की गई इनकम सीमा से नीचे है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने से इनकार कर सकती है।
जनरली सेलेक्ट क्लास और बिजनेस क्लास को ही क्रेडिट कार्ड इशू की जाती है। सेलेक्ट क्लास की जो सैलरी स्लिप है उसे बैंक जांच करती है और जो बिजनेस क्लास है उनकी बैलेंस शीट के आधार पर ही क्रेडिट कार्ड उन्हें इशू किया जाता है। पांचवी, क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले बैंक आपके एम्प्लॉयर मतलब आप जहां काम करते हैं उसकी भी जानकारी ले लेता है। अगर आपके एम्प्लॉयर की जानकारी सेटिस्फैक्टरी ना हो मतलब अगर आप एक ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां आपकी नौकरी परमानेंट ना हो तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा। क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फॉर्म फिलअप करनी पड़ती है। फोटोग्राफ्स, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ और आईडी प्रूफ आपको बैंकों में जाकर सबमिट करना पड़ता है। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म को फिलअप कीजिए और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। तो ये थी वो कंडीशन जिसका आपको फुलफिल करना आवश्यक है अगर आप एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं ऐसी कुछ जानकारी जो आपके लिए जानना आवश्यक है अगर आप एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना आवश्यक है वो ये है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की एक निर्धारित क्रेडिट लिमिट होती है। क्रेडिट लिमिट वो अमाउंट होती है जिसका इस्तेमाल आप अपने क्रेडिट कार्ड में कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या फिर अन्य कामों के इस्तेमाल करने के लिए। क्रेडिट लिमिट डिसाइड होती है आपकी जो इनकम है उसके ऊपर। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये है तो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी वो होगी 20,000 से नीचे। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो डिसाइड करती है बैंक और इसकी पूरी राइट्स बैंक के पास ही होती है। दूसरी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्रेडिट कार्ड की जो रीपेमेंट पीरियड होती है वो निर्धारित की जाती है बैंकों के द्वारा। जनरली अन्य अन्य बैंकों की अलग अलग क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट पीरियड होती है। SBI की 50 दिनों की रीपेमेंट पीरियड होती है। इसका मतलब अगर आपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा कुछ परचेज किया है तो उस परचेज की जो अमाउंट है उसे पेमेंट करने के लिए आपके पास 50 दिनों का समय होता है। लेकिन विभिन्न बैंकों की विभिन्न क्रेडिट लिमिट होती है और विभिन्न क्रेडिट लिमिट के अंदर विभिन्न क्रेडिट आपकी रीपेमेंट पीरियड होती है। तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने से पहले यह जान लेना जरूरी है आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट रीपेमेंट लिमिट पीरियड है वो कितनी है। अगर आपने अपनी रीपेमेंट पीरियड के अंदर क्रेडिट कार्ड में जितने भी पैसों का इस्तेमाल किया है उसका रीपेमेंट नहीं किया तो आप की जो अमाउंट रह गई है या फिर आपकी जो अमाउंट जिसका आपको पेमेंट करना है उसके ऊपर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तीसरी, क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन होता है। इससे ये क्रेडिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक नहीं होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि क्रेडिट कार्ड एक लोन है जिसका पेमेंट आपको निर्धारित समय में करना ही होगा। तो ये थे क्रेडिट कार्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे। क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और आजकल ऑनलाइन साइट्स में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर काफ़ी डिस्काउंट भी दिया जाता है। मतलब अगर हम एक प्रोडक्ट की परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन तो क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशल डिस्काउंट उन प्रोडक्ट्स पे आजकल ऑनलाइन साइट प्रोवाइड करने लगे हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से हम बिना पैसों का इस्तेमाल किए ही अपनी इमरजेंसी वस्तुओं का खरीदारी कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास पैसों की कमी चल रही है और हमें एक इमरजेंसी परचेज करना है तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हमें इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड में हमें एक रीपेमेंट पीरियड मिलती है और उस रीपेमेंट पीरियड के अंतर्गत ही हमें क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से हमें नगद कैश अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो थे क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट पीरियड के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, क्रेडिट कार्ड की एक निर्धारित रीपेमेंट पीरियड होती है और अगर उस रीपेमेंट पीरियड में हमने क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल हुए पैसों का भुगतान नहीं किया तो उन पैसों पर हमें
इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है। तो गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमने अपनी रीपेमेंट पीरियड को मिस किया तो हमें अपनी जो पेमेंट बाकी रह गई है क्रेडिट कार्ड पे उस पर भारी भरकम एक इंटरेस्ट पे करनी होती है। दूसरी, क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड की संभावना। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी बढ़ गई है, तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कभी भी डिस्क्लोज मत कीजिएगा, फ़ोन में भी या फिर अपने किसी भी नज़दीकी रिश्तेदार के पास भी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में की इंफॉर्मेशन अगर आपने डिस्क्लोज कर दी तो उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी साइट पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है और आपके जो क्रेडिट लिमिट है उसे ख़त्म और पूरी कर सकता है। तो ये थी सारी जानकारी क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आशा है आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अब आसानी से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जैसे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।